नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ख्याति सेठी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे यानी ख्याति सेठी के साथ कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट, और आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है चार आने का हिसाब। तो चलिए सुनते हैं। कहानी चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है, चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, बहुत से विद्वानों से भी मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ के छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये चार स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, नाना नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की ये प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को कैसे ना कर सकते हैं। किसान बोला, सेठ जी, मैं रोज चार आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या आप सिर्फ चार आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। राजा ने बड़े ही अचरज से पूछा। किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है, प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने फिर प्रश्न किया, तो तुम इन चार आने का क्या क्या कर लेते हो। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन चार आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा कुछ सोचने लगा, उसे ये उत्तर समझ नहीं आया। वे किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। अगले दिन राजा ने एक सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना के बारे में सबको बताया और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का फैसला लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बिठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे चार आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए चार आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो। राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हजूर महाराज, जैसे कि मैंने बताया था,
मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, मैं उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामलों में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस्ड बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो बेशक हम लाखों रुपए कमा लें पर फिर भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट सुनने के लिए आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली तो कहानी को लाइक और शेयर कर दें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए कहानियों का पिटारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्टे सेफ एंड टेक केयर।